आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान को पंजाब के हुसैन वाला गांव के लिए अपने 12 गांव दे दिए? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय पंजाब में मौजूद हुसैन वाला नाम का गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने इस गांव को भारत में वापस लाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू की। लेकिन पाकिस्तान कितना मक्कार है ये तो हम सब लोगों को पता है। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि वो ये गांव भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में भारत को अपने 12 गांव पाकिस्तान को देने होंगे। इस पर बहुत सोच समझने के बाद भारत सरकार ने अपने 12 गांव पाकिस्तान को देकर वो एक गांव भारत में शामिल करवा लिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या था उस गांव में जो भारत को ऐसा करना पड़ा? दरअसल पंजाब में मौजूद हुसैन वाला गांव वही गांव है जहां पर महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब भारत माता के शहीदों के लिए 12 गांव की कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा रहस्यमय और चमत्कारी पानी का घड़ा जिसमें कितना भी पानी भर लो वो घड़ा कभी भरता ही नहीं है, लेकिन अगर उसमें दूध भरा जाए तो वो घड़ा तुरंत भर जाता है। कहाँ है ये घड़ा, चलिए जानते हैं। राजस्थान के पाली जिले में मौजूद शीतला माता का एक मंदिर है जिसमें जमीन के अंदर एक ऐसा घड़ा है जिसमें आज तक 50 लाख लीटर पानी भरा जा चुका है, लेकिन वो घड़ा आज तक नहीं भर पाया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार शीतला माता ने बाबरा नाम के राक्षस का इसी जगह पर वध किया था, लेकिन इस युद्ध के दौरान उस राक्षस ने माता से ये वरदान मांगा था कि गर्मी में उसे प्यास ज्यादा लगती है, इसीलिए साल में 2 बार उसे पानी पिलाना होगा। तब से साल में 2 बार इस घड़े में राक्षस के लिए पानी भरा जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये सारा पानी जमीन के अंदर से कहीं बहकर निकल जाता होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि जब इस चमत्कारी घड़े में दूध भरा जाता है तो वो तुरंत भर जाता है। ऐसी अनगिनत चमत्कारी चीजें हमारे भारत के कोने कोने में छिपी हुई हैं। आप इसके अलावा किस बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, अगर आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनकी एक आँख इंसान के हाइट से भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं है, वो है समंदर के अंदर और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।